हाय एवरीवन, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है मेरे चैनल होम एंड मचमोर में। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ 4 से 5 एसेंशियल चीजें जो कि कार ऑर्गेनाइजेशन में या फिर एज कार एसेंशियल काम आती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है ये कार टिश्यू पेपर बॉक्स, या फिर इसे कह सकते हैं हम टिश्यू पेपर डिस्पेंसर। तो इसमें खास बात ये है कि ये बहुत ही स्लीक है, स्लिम है और ये ऐसे स्लाइड ऑन है और ये लग जाता है कार की सीट के ऊपर। तो जो डैशबोर्ड पर टिश्यू पेपर का डिस्पेंसर रखा जाता है वो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होता है, हाथ की रीत से दूर भी होता है एंड प्लस वो बार बार गिरता रहता है। तो आई थिंक इस तरह का टिश्यू डिस्पेंसर बहुत ही इजी टू ऑपरेट है और बहुत ही कन्वीनियंट है। प्लस ये ऐसी जगह पे लगता है जो आपके बाकी चीज़ों के बीच में नहीं आएगी। इसकी ग्रिप भी काफ़ी अच्छी है तो ये गिरता नहीं है। इसमें काफ़ी अलग अलग टाइप्स अवेलेबल हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें ऐसे भी टाइप्स आते हैं जिसमें डॉक्यूमेंट्स भी साथ में रखे जा सकते हैं, मतलब टिश्यू पेपर्स प्लस अगल बगल में कुछ और डॉक्यूमेंट्स। तो उनकी भी मैं लिंक दे दूँगी, तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं। पर डैशबोर्ड वाले से ये कई गुना ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट है ये कार नॉन स्लिप मैट। तो हम कई बार जो फोन्स हैं वो डैशबोर्ड पर रखते हैं या फिर कुछ छोटी मोटी चीज़ें डैशबोर्ड पर रखनी पड़ती है जब अगल बगल की जगह में इनफ स्पेस बचती नहीं है, तो उस टाइम पे इसे यूज़ किया जा सकता है। पहले मैं दिखा देती हूँ कि इस पे क्या है। यहाँ पर ये एक तरफ मोबाइल लगा है, मतलब लिखा है, और ये इसके साथ ये अल्फ़ाबेट्स दिए जिन्हें निकाल कर इन छोटे छोटे स्लॉट्स में चिपकाया जा सकता है। अगर हम इसे कार में यूज़ करेंगे तो हम तो कभी फ़ोन नंबर लगाएंगे नहीं। मे बी अगर कोई इसे अपनी ऑफिस डेस्क पर यूज़ करना चाहता हो और कुछ पब्लिक या पब्लिक टाइप का ऑफिस हो तो शायद वो लोग यूज़ करें, बट जस्ट आया है इसके साथ तो मैं दिखा रही हूँ। नेक्स्ट ये स्टिक ऑन ग्लू के ऐसे छोटे छोटे पैचेस हैं जिन्हें आप इस एंटी स्लिप मैट के नीचे लगा के अपने डैशबोर्ड पर चिपका सकते हैं, तो इससे ये जो मैट है ना ये सिक्योर हो जाएगी। एक बार ये मैट सिक्योर हो जाए तो इसके ऊपर रखी हुई कोई भी चीज़ स्किड नहीं होगी, इसलिए इसे एंटी स्लिप मैट कहते हैं। ये मैट स्लिप नहीं हो ये बात नहीं है, इसके ऊपर रखी हुई चीज़ें स्लिप नहीं होंगी। तो मोबाइल जो है ना वो झट से ऐसे डैशबोर्ड से स्लाइड होकर गिर जाता है, बट इस पे रखने के बाद वो नहीं गिरेगा। और जो हल्का सा कर्व होता है डैशबोर्ड पर ये उसका भी शेप ले लेगा क्योंकि ये सिलिकॉन का है। इस तरीके का मोबाइल होल्डर भी है इसमें, तो ये काफ़ी यूजफुल चीज़ लगी। नेक्स्ट है कार ट्रैश बिन। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एग्जैक्टली यही वाला लें, लेकिन किसी तरह की सुविधा आप अपनी कार में रखें कि कोई भी ट्रैश या कोई भी कचरा हो तो आप उसे एक किसी चीज़ में जमा कर सके, मे बी एक बैग हो या इस तरह का डस्टबिन छोटा सा। क्योंकि कार के कांच नीचे करके खिड़की से कचरा फेंकना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। हमें नॉट जस्ट बिकॉज कोई तीसरा कह रहा है, बट हमें खुद समझना चाहिए और सराउंडिंग्स क्लीन रखनी चाहिए। तो कार में किसी तरह से आप अपना ट्रैश कलेक्ट करें और जब आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं तो डस्टबिन में उसे डाल दें। नेक्स्ट है ये हेडरेस्ट हुक्स या हैंगर्स। तो बहुत बार हमारे पास छोटी छोटी बैग्स होती हैं, हम 3 लोग या 2 लोग पीछे बैठ जाते हैं तो उन बैग्स को कहाँ रखें ये क्वेश्चन होता है। हर बार बूट स्पेस में ये रखते नहीं है। छोटी मोटी किराना बैग या फिर नेक पिलो, कुछ भी अगर आपको टांगना है तो आप इसे ऐसे हेडरेस्ट पर टांग सकते हैं। तो ये बहुत ईजी टू रिमूव एंड ईजी टू प्लग इन हुक्स हैं और अच्छा खासा ये वेट सह सकते हैं। फिर भी मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत हैवी चीज़ इस पर लगा के रखें। ये देखिए नेक पिलो है, आप इस पे हैंड बैग्स लगा सकते हैं, आपकी जो पर्सेस होती है वो, सब्जी की शॉपिंग कर ली हो, फ्रूट्स खरीद लिए हो, वो टांग सकते हो। ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं दिखा रही हूँ, ये बैकपैक है, बहुत हैवी नहीं है, मीडियम है, तो मैंने टांग कर यहाँ पर दिखाई है। तो ये यूटिलिटी के हिसाब से बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। नेक्स्ट है ये ट्रैवल पिलो। एक्चुअली ये सिर्फ कार में ही नहीं, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी ट्रैवल कर रहे हैं तो होनी चाहिए। जब मैं ऑन साइट गई थी ऑफिस से जर्मनी, तब मैंने ये लिया था, ऑन साइट लिया था, जर्मनी में लिया था। जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी पूरी फ्लाइट के लंबे ट्रैवल में मुझे कितनी तकलीफ़ हुई क्योंकि मेरे पास नेक पिलो नहीं था, मुझे माइग्रेन का इशू है, मेरा हेडेक हो रहा था, फिर एक नेबर वाले अंकल ने मुझे अपना नेक पिलो दे दिया था। तो फर्स्ट थिंग मैंने जर्मनी पहुंचने के बाद ये नेक पिलो ख़रीदा था। ऐसे बहुत ईजीली मिल जाते हैं अपने यहाँ पर, तो मैं इससे रिलेटेड, इससे मिलते जुलते जो भी है वो लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में दे दूँगी।
आज की वीडियो में हमने देखी 5 ऐसी चीजें जो बहुत हेल्पफुल है अगर कार में रखी जाए, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से और कुछ ईज के हिसाब से। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं मेरे दिमाग में और भी जो कार में होनी चाहिए। हमें कार को स्टोर रूम नहीं बनाना है, लेकिन ऐसी छोटी मोटी चीजें होती है जिससे काफी कंफर्ट आता है, ऑर्गेनाइज रखने में हेल्प होती है। और अगर वो कार में रहे, क्योंकि कुछ चीजें इसेंशियल भी होती है, कुछ चीजें ना कंफर्ट के लिए होती है ना ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन वो होती है सेफ्टी के लिए। तो वो भी मैं कभी आगे फ्यूचर में कवर करूंगी। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अरे रुको रुको रुको, मुझे भी लेके जाओ।